नमस्कार, आप देख रहे हैं और बिटनी विथ फोर सुपौल से है। सुपौल में लगातार बारिश, नेपाली नदियों के उत्पात व उफनाई कोसी से जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। खासकर तटबंध के अंदर के इलाके कोसी के पानी से लबालब है। हजारों लोग बाढ़ के लबालब पानी के बीच जीने को मजबूर है। कोसी में बाढ़ पीड़ितों की बदहाल स्थिति को सुन उनका हाल जानने और उनके बीच राहत सामग्री पहुंचाने के मद्देनजर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी सुपौल दौरे पर आए। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। लगातार देख रहा हूँ बिहार में हर साल बाढ़ आती है। 15 साल से लगातार नीतीश कुमार राज है। एक बार भी इस बाढ़ के लिए हाल निकालने का और यहाँ का किसान हो, मजदूर, गरीब के बारे में कभी सोचा नहीं है। लगातार बाढ़, जब भी बाढ़ आते हैं उसको खुशी होता है, क्योंकि उसमें उसको पैसे घोटाला करने का अलावा उसके और कुछ सोच नहीं है। कितने दिन हुआ लगातार इन लोगों ने अभी तक फील्ड में नहीं है। गरीब मजदूर के बारे में उसके पास, किसान के पास जाके बैठ के उसका दर्द सुनने तक तैयार नहीं है। इनके प्रशासन का लोग हो, उनका मंत्रिमंडल हो, कोई तैयार नहीं है। इन लोग ने वर्चुअल रैली करके बैठा है कोरोना के समय में और इस बाढ़ के समय में। इन लोग ने, इनके बारे में वर्चुअल रैली करने के लिए इनके पास समय नहीं है, इनके पास सोचने का नहीं है। सबसे ज़्यादा नौजवान है, अब अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है यहाँ बिहार में, जो कोविड-19 की वजह से जो माइग्रेंट लोग हैं, दूसरे स्टेट में जो काम करते थे वो लोग अपने अपने राज्य वापस आ गया है। वो लोग कैसे जी रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं है उनके लिए क्या कर रहे हैं, उसके तक एक शब्द अभी तक इनके मुँह से नहीं आया। कुछ लोग एक कोविड की वजह से सड़क पे घूम रहे हैं वेंटिलेटर के लिए, उसके बारे में सोचने का इनके पास समय नहीं। कुछ एकदम एक सबसे बड़ा डिजास्टर कोई है वो नीतीश कुमार बिहार में। बाढ़ हर साल आ रहे तो लोग ही उसका अपने आप उसका हल निकाल रहे हैं, खुद उन लोग ने काम कर रहे हैं, बट सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लोग भी जान चुका है। अभी भी इनके पास केंद्र सरकार, इनका अलायंस गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार से इतने गरीब मजदूर माइग्रेंट लोग हैं सबके खाते में 6 महीने तक, 1 महीने में 6,500 रुपये इन लोग न्याय दे सकते हैं। अभी तक उसके बारे में चर्चा नहीं है, ये शर्म आना चाहिए सरकार। देखिए वो ये लोग तो पूरा प्लान करके जो भी चुनाव को लेके कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को भी सोचना है इस समय में चुनाव करना नहीं करना, लोगों का राय लेना चाहिए। वो इलेक्शन करना नहीं करना वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, बट इतने बड़ी पेंडेमिक में जो भी इन लोग ने करना, एक बार जनता का क्या है, स्थिति है, इस हालत में क्या हो सकता है चुनाव करेगा तो वो उसके बारे में सोच के इनको डिसीजन लेना चाहिए। इस समय में सबसे ज़्यादा लोगों को मदद चाहिए, आप लोगों को मदद करो। आप सबके खाते में 6,500 रुपये डालो, वो रिक्वायरमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए क्या है, जो कोविड पेशेंट है उनके लिए भर्ती कैसे होगा, वेंटिलेटर कैसे मिलेगा और टेस्टिंग किट कौन ला रहा है, ये चीज़ के बारे में इनको सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ छोड़ के इन लोग ने अपने अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है, शर्म आना चाहिए। ये बिहार का जनता कभी इन लोग को माफ़ नहीं करेगी। जनता के साथ इन लोग ने जो फेल किया है कभी इन लोग को माफ़ नहीं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीबी सुपौल की धरती पर आए, यहाँ के बाढ़ के हालात को देखते हुए, बाढ़ से जो जनता त्रस्त है उस जनता को मदद करने के लिए वो खुद से यहाँ आए हैं और हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मदद हो। सरकार जो है अनदेखी करने का काम कर रही है, बाढ़ से पूरी जनता त्रस्त है। हम लोग युवा कांग्रेस पूरी तरह से तत्पर हैं। हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीबी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार, जिला युवा कांग्रेस का।